देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं टॉर्क के ऊपर। एनसीईआरटी की डेरिवेशन भी बहुत फेमस है, आती है ये वाली और नेक्स्ट वाली भी, दोनों बहुत आती है एनसीईआरटी में, 3 नंबर में, इसलिए न्यूमेरिकल भी आता है। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, अब टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, टॉर्क बीच में कैसे आ गया, कई लोग कहते हैं वो लेफ्ट प्लस वन आ गई, टॉर्क में इतनी भी प्लस वन नहीं आई, बड़ा बेसिक सा टॉर्क है। तो टॉर्क पहले बता देता हूँ कि निकलेगा कैसे एक लाइन में, उसके बाद फिर डाइपोल पे लगा के देखते हैं। टॉर्क की अगर बात करते हो तो हमने टॉर्क में हमने ये डिस्कस किया था प्लस वन के अंदर कि अगर आपके पास कोई भी जैसे एक बॉल है और आप इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं एफ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एफ के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। तो टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो एफ इंटू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, या आर इंटू एफ कर सकते हो, तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये बताओ कि ये बॉडी पे अगर टेंजेंशियल फोर्स एफ लगेगी तो ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा एक और क्वेश्चन है, सपोज करो एक और फोर्स लगा देते हैं, चलो यहाँ पे एक और फोर्स है, ये फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगी, सेम आर इंटू एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये कैसे घुमाएगी इस बॉल को, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगी, ये कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। तो अगर नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो, ये रही वो बॉल, इधर फोर्स लगाओ तो कैसे घूम रही है ये बॉल, क्लॉकवाइज। अच्छा इधर लगाओ कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक दोनों। इसमें दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है तो नेट टॉर्क क्या आएगा, आर इंटू एफ एंड आर इंटू एफ, तो टोटल क्या जाएगा, 2 इंटू आर इंटू एफ, या फिर एफ इंटू टू आर। वैसे आपको अगर याद हो तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब एक बॉडी पे लगती हैं तो उसको कपल बोलते हैं, तो ये कपल है। और ऐसे केस में जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो कपल कैलकुलेट और कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स ले लो कोई भी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, तो इनके बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दो, सीधा टॉर्क आ जाएगा। तो रिजल्ट याद रहेगा, अगर किसी भी बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो फोर्स इनटू उनके बीच में सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, सीधा टॉर्क आएगा दोनों फोर्सेस का। तो शॉर्टकट क्लियर है, तो इतना ही चाहिए मुझे। मेरे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पहले, तो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन प्लेट्स पे, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव 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 करके, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मानते हो ये चीज़, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन, तो ये मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डायपोल कंसिडर किया, ये एक डायपोल है, सच दैट इस डायपोल के ऊपर ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। मैंने डायपोल को रख दिया, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस यस, ठीक है ठीक है। तो मैंने डायपोल को इसमें रख दिया, अब डायपोल को जब रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की, पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का है राइट, तो इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर फोर्स भी कहां लगेगी, टुवर्ड्स राइट, कितनी, एफ इज इक्वल टू कितनी, क्यू इंटू ई। क्या इस स्टेप क्लियर है, ठीक है। और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी, क्यू इंटू ई। क्या स्टेप क्लियर है, तो पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज
experience force in the direction opposite to the applied electric field. Electric field right hai, negative charge ki force left hai. Electric field right hai, positive charge ki force right hai. Clear ho gaya yahan tak? To ab ye situation hai, couple ho gaya. QE, QE, equal and opposite forces. To inke beech mein जो सेपरेशन है हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एक कंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो सीधी लाइन और ऐसे ये लो ठीक. सच दैट इसके अंदर ये अगर डिस्टेंस 2a है और ये हाइट अगर y है और इस डायपोल ने एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाया थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये थीटा, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो y डिवाइडेड बाय कितना 2a. तो y विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा. क्या ये स्टेप क्लियर है? तो यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2a साइन थीटा. ठीक है, अब फोर्स कितनी लग रही है इक्वल एंड ऑपोजिट QE और इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा. तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू 2a साइन थीटा. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है QE इंटू 2a साइन थीटा. तो Q इंटू 2a क्या होता है P डायपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा, या टॉर्क इज अ वेक्टर, P इज अ वेक्टर, E इज अ वेक्टर. साइन थीटा के केस में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा P क्रॉस E. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि टॉर्क वेक्टर कैसे इसमें लगेगा और टॉर्क इसमें लगेगा कैसे? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क की वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा. और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कहाँ होगी पी वेक्टर की, तो पी वेक्टर डायपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है आपका पी वेक्टर, पी वेक्टर. ये क्या है आपका ई वेक्टर, ई वेक्टर. ठीक है, ई वेक्टर. तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा. क्लियर है यहां तक? टॉर्क समझ में आ रहा है क्या होगा इसमें पी ई साइन थीटा? कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसमें प्रूव किया हुआ है, वही प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, फोर्स इज क्यू ई, कंस्ट्रक्शन ये 2a, तो ये 2a साइन थीटा, एंगल थीटा. तो टॉर्क इज एफ इंटू 2a साइन थीटा, एफ इज क्यू ई, तो क्यू इंटू 2a इज पी, पी साइन थीटा या पी क्रॉस सी. तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कपल वाला पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ कहाँ से कैसे आया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये डायपोल के लिए वैलिड है बस, पी आ रहा है ना डायपोल मोमेंट, अदरवाइज नहीं, ओनली फॉर डायपोल. क्वेश्चन जब डायपोल का आएगा उसी में लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा, ये हर जगह नहीं लगेगा. ठीक है यहाँ तक? अब इसमें कुछ ना केसेस हैं. क्या केसेस हैं? आप सिर्फ एक चीज़ मुझे बताओ इसमें, अगर हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करें इसमें, कि सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं प्लेट्स लगा के अप्लाई कर रहा हूँ, ये लो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लो ई वेक्टर हो गया. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि एक डायपोल, इनिशियली एक डायपोल जो था वो ऐसा था, ये था, ये लो ठीक है, इनिशियली प्लस क्यू एंड माइनस क्यू वाला था. तो फोर्स कहाँ लगी इसके ऊपर? क्यू ई. फोर्स कहाँ लगी इसके ऊपर? क्यू ई. तो टॉर्क लगा तो क्या होगा? टॉर्क लगा तो ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये पंखे की तरह घूमेगा, गोल 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 नहीं, ये ऐसे हो जाएगा बस. मतलब ये चाहेगा, ये डायपोल ये चाहेगा,
कि ये फाइनली यहां पर आके रुक जाए सच दैट पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाए। क्यों आ जाए? वो इसलिए आ जाए ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्यू ई यहां लगे और इसकी नेट फोर्स क्यू ई यहां पे लगे और क्यू ई कैंसिल, तो डायपोल में नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। और जब डायपोल में नेट फोर्स जीरो है तो इस पोजीशन को डायपोल की क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो मतलब डायपोल को, डायपोल ऐसे रहना पसंद करता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो आप जबरदस्ती इसको गोल घुमाओगे तो ये वापस आएगा, अपने आप नहीं उधर जाएगा, आपको घुमाना पड़ेगा फिर ये वापस इधर आएगा ऐसे। तो पहला पॉइंट क्लियर है। और प्रैक्टिकली जब आप इसको करोगे, किसी लैब में करोगे या सच में देखोगे, तो ये यहाँ पे जब आप इसको घुमा के छोड़ दोगे तो ऐसे फोर्सेस लगेंगी और ये इसके वापस नहीं आएंगी। कायदे से तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगी, इसको रुक जाना चाहिए, पर इनके कुछ मासेज होते हैं चार्ज के, तो इसमें इनर्शिया जाता है। वो इनर्शिया क्या करता है? इसको रोकता नहीं है, थोड़ा सा नीचे ले जाता है। तो इनर्शिया क्या करेगा? इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे ले जाएगा ऐसे, ठीक। लेकिन फिर फोर्स डेवलप हो गई जो चाहेगी कि ये कहाँ पे आ जाए, इसकी रेस्ट पोजीशन है यहाँ पे आ जाए। जब ये यहाँ पे था तो हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, या डायपोल चाहता है यहाँ पे आ जाए। जब ये नीचे गया, डायपोल चाहता है यहाँ पे आ जाए, पर एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा, फिर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर आना ये यहाँ चाहता है तो ये हल्का हल्का ऐसे मूव करेगा। तो ये डायपोल जब ऊपर करके छोड़ दोगे एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा, ऐसे मूव करेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा। ये बात की बात है, मैं प्रूव कर पाऊंगा इसे कि SHM में होगा, बाद में प्रूव करूंगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया? एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा। जैसे ग्रेविटेशन में टनल खोदते थे, एक बॉल को गिरते थे, सबको पता है कि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में जीरो है, बॉल को वहाँ रेस्ट पे आ जाना चाहिए था SHM के चैप्टर में, पर थोड़ा सा इनर्शिया से नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नीचे, तो सेंटर के अबाउट ऊपर नीचे घूमती रहती है। यूट्यूब है, उसमें पानी है, तो आप धक्का मारते हो तो एकदम ऊपर नीचे मूव करते हो, इक्विलिब्रियम एकदम अटेन नहीं होता, तो उसमें मोशन, पीरियोडिक मोशन जनरेट हो जाती है, इसमें भी जनरेट हो जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बात की बात है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, हमने अभी ऐसा पढ़ना नहीं है, पर आपको लॉजिक समझ में आ गया। मैं सिर्फ ये बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, प्लस एंड माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक, और एक डायपोल है, ये एक डायपोल है ऐसे सच दैट इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। तो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली ये कभी ना कभी यहाँ रेस्ट पे आ जाएगा, और जब ये रेस्ट पे आएगा तो प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू, मान लो रेस्ट पे आ गया, चलो मान लो रेस्ट पे आ गया और ये सिचुएशन आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, रादर मैं इसको रब कर ही देता हूँ, मेरे को यहाँ केस डिस्कस ही नहीं करना, ये आ चुका रेस्ट पे, ऐसे पड़ा हुआ है। जब ये ऐसे पड़ा हुआ है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लग रही है? फोर्स लगेगी क्यू ई टूवर्ड्स राइट। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है? अगेन माइनस क्यू ई का मॉड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रही है पूरे डायपोल के ऊपर वो क्या आ रही है? जीरो। अगर ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ऐसा रहना पसंद करता है, तो नेट फोर्स क्या आ रही है इस पे डायपोल पे? जीरो। नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये डायपोल की कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब एक और केस डिस्कस करते हैं इसी के साथ, ठीक है। मैं फिर से एक डायपोल लेता हूं, ये रहा वो डायपोल, सेम सेकेंड केस इसी में ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायपोल में सपोज करो इस बार ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, उल्टा कर दिया। पहले केस में पॉजिटिव यहां था और नेगेटिव यहां था, इसमें नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है। अब एक बात बताओ, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो
तो क्यू ई फोर्स कहां लगेगी? टूवर्ड्स राइट। और माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल। तो अगर माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो क्यू ई फोर्स कहां लगेगी? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो क्यू ई विल कैंसल ईच अदर। तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो ये भी कौन सी पोजीशन है इसकी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या स्टेप क्लियर है सबको? चाहे डायपोल ऐसा पढ़ाओ तो भी नेट फोर्स जीरो, चाहे ऐसा पढ़ाओ तो भी नेट फोर्स जीरो, दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई डाउट इसमें? दोनों में अब देखो क्या अंतर है। किसी टीचर ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और ये आराम से रेस्ट पे पड़ा हुआ डायपोल पड़ा था, आपके मन में पता नहीं क्या आया, मैं इसको जरा टच करके देखता हूं। तो आपने इसको हिला दिया, आपने इसको हिला दिया हल्का सा, ये ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया। जब आपने इसको ऐसे किया क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये टॉर्क जनरेट करेगा और अल्टीमेटली ऐसे ही गिरने की कोशिश करेगा और कभी ना कभी ऐसे रेस्ट पे आ जाएगा। अगर आपने इसको हिला भी दिया कोई बात नहीं, इसमें टॉर्क डेवलप होगा, इसको वापस ले आएगा और ये इसी पोजीशन पे थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा। मानते हो ये चीज? वो तो आना ही पड़ेगा इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन जब आप इसको छेड़ोगे, जैसे ही आपने इसको छेड़ा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे, अब माइनस क्यू पे फोर्स लग गई इस तरफ, प्लस क्यू पे इस तरफ, अब इससे क्या हुआ? ये डायपोल ऐसे रेस्ट पे नहीं आया, ये उल्टा हो गया। और कैसे रेस्ट पे आ गया? माइनस इधर चला गया और प्लस इधर, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वो तो चलो हमने टिका के रखा हुआ था, पर ये ऐसा रहना पसंद नहीं करता। जब आपने इसको हिलाया तो ये माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर आएगा और अल्टीमेटली ऐसे ही सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ये डायपोल पड़ा हुआ था, आपने इसको पहले केस में पड़ा हुआ था, आपने हिलाया ये ऐसे आ गया। दूसरे केस में डायपोल ऐसे नहीं है, उल्टा रखा हुआ था, रेस्ट पे था, आपने इसको हिलाया लेकिन ये ऐसे आ गया रेस्ट पे, क्योंकि रहना तो ऐसे चाहता है ना रेस्ट पे। समझ में आ रहा है यहां तक? जाके रखना नहीं है कि कोई कहेगा नहीं ये लो डायपोल रख के दिखाओ, ओ सर हिल नहीं रहा, हिल रहा है, ओ नहीं नहीं हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, किताबों में है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगी तो हिलेगा नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ मैं समझ, आप सोच लो प्रैक्टिकल कौन सेट करेगा इसे, कुछ नहीं करना, ठीक है? तो प्रैक्टिकली नहीं, अगर ऐसा हो जाए और अगर मैं छेड़ दूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में थी बॉडी और मैंने इसे हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया तो ये वापस उसी पोजीशन पे आया, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब बॉडी की नेट फोर्स जीरो है और आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वापस उसी स्टेट पे वापस आ जाएगी, स्टेबल। लेकिन इस केस में इक्विलिब्रियम तो ये भी था पर जब आपने इसको हिलाया तो ये पुरानी ऊपर वाली स्टेट में वापस आ गई, इस स्टेट में कभी खुद वापस नहीं आएगी। तो था तो ये भी इक्विलिब्रियम लेकिन ये कौन सा था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि नेट फोर्स जीरो, आपने डिस्टर्ब किया, बॉडी वहीं पर वापस आ गई, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, डिस्टर्ब किया, उस पोजीशन में कभी वापस नहीं आई, कोई नई पोजीशन में वापस आ गई, तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? काफ़ी लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक सुना होगा जो मैंने रिकॉर्डिंग में भेजा होगा या प्लस वन के अंदर सुना था, तो उसमें ना वर्क एनर्जी पार को लेके भी के अंदर मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया गया था। वर्क एनर्जी पार का यूनिट देखें ना तो उसमें डिस्कस किया जाता है, जिसमें यह डिस्कस किया जाता है वर्क एनर्जी पार में एफ इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी आर का एक रिजल्ट था और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो ऐसा होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इज जीरो हो गया, तो U यानी कि या तो मैक्सिमम है और या फिर मिनिमम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो उसको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो। तो वो वर्क एनर्जी पार आपको ये बताता है, वो तो लंबी कहानी है यार, अगर सुनाने लग गए तो फिर वर्क एनर्जी पार का चैप्टर सुनना पड़ेगा पूरा, तो वहाँ पर लेके नहीं जा रहा हूँ, एक लाइन में समझा रहा हूँ कि जब कोई बॉडी स्टेबल रहना चाहती है, एक्चुअल स्टेबल, स्टेबल स्टेबल मीन इस सिचुएशन में, कोई मर्जी बॉडी, जैसे एक पेंटिंग है, कोई दीवार पे आपने फोटो टांगनी है, टांग दी, आपने इसको ऊपर करके छोड़ दिया स्ट्रिंग के साथ, छोड़ा झूलती झूलती नीचे आएगी। इलेक्ट्रॉन है आपके केमिस्ट्री में,
आपने एक्साइट करवा दिया, वो अल्टीमेटली सबसे नीचे शेल में जाके गिर जाएंगे, ताकि अपनी एनर्जी को क्या करें, मिनिमाइज। तो जब एनर्जी मिनिमाइज होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या रहेगी, मिनिमम मिनिमम होती है, और जब अनस्टेबल होता है तो एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसकी स्टोरी अगली बार बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने वर्क डाउन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन अभी करनी है की नहीं, बट अगर सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल से देखना हो तो आप याद कर सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल है तो मैक्सिमम है, ठीक है यहाँ तक। तो अनस्टेबल हो यार, वैसे भी आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, आप पेपर है, आपका पेपर है, तैयारी है नहीं, अनस्टेबल पोजीशन पे हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा कि एनर्जी लगाएं कहाँ, अनस्टेबल हो तो पेपर की तैयारी हो चुकी है, अब आप स्टेबल हो, आपकी एनर्जी मिनिमम है, मन आपका एकदम शांत है। तो स्टेबल अनस्टेबल ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन में नहीं चलता, ये हर जगह चलता है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इसके अंदर यही इसमें एक्सप्लेन्ड है। केस नंबर वन कि थीटा टॉर्क में, टॉर्क में थीटा एंगल किसके किसके बीच में, पी और ई के बीच में है। तो अगर मान लो ये डायपोल पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां पर है, नेगेटिव, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और साफ पता लग रहा है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो टॉर्क इसमें क्या डेवलप होगा, जीरो, वो घूमना पसंद ही नहीं करेगा, वो तो पहले स्टेबल है, स्टेबल में क्यों घूमेगा, वो स्टेबल में वो किस पे रहेगा, एट रेस्ट। तो देखो पी में और ई में एंगल क्या है, जीरो, तो टॉर्क भी क्या है, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। और अब इधर चलें, अगर सपोज करो केस नंबर टू ऐसा हो, ये रहा सच दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, और डायपोल ऐसा है, डायपोल ये रहा, सच दैट डायपोल मोमेंट दैट इज नेगेटिव से पॉजिटिव एंड ई वेक्टर में एंगल कितना है, 90। तो उस केस में टॉर्क क्या होगा, पीई साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क होगा 90 डिग्री में, मैक्सिमम टॉर्क होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम यानी कि जीरो टॉर्क होगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा सारा, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन पी एंड ई इज जीरो। देखो ना सिचुएशन है, तो मैंने भी ये बताया कि ई वेक्टर कहां पर है, राइट है, राइट है, पी वेक्टर कहां पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो मैंने बताया ना, जब ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कहां पर जा रहा है, राइट है, तो यानी कि ये नेगेटिव प्लेट होगी कहीं ना कहीं, और ये पॉजिटिव प्लेट होगी कहीं ना कहीं, पॉजिटिव प्लेट है, राइट, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो देखो ना, ये फोर्स ऐसे लगेगी QE, ये फोर्स ऐसे लगेगी QE, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने क्या बताया, P में एंड E में एंगल हमेशा क्या बनेगा, जीरो। तो ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा ना कि बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में P और E में एंगल क्या बनता है। पहले तो ये नहीं लोगों को पता होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पेपर तो बड़ी बात की बात है। तो अब हमें पता है स्टेबल क्या है, हम अपने मन में डायग्राम बना सकते हैं और P और E में एंगल निकाल सकते हैं। अनस्टेबल उल्टा होता है, अनस्टेबल में पी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन ई वेक्टर राइट की तरफ ही होता है, पी और ई के बीच में एंगल क्या बनता है, 180 बनता है। तो याद रहेगा 0 और 180। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ये, तो चलो अभी थोड़ा ये नहीं करेंगे, अभी अगली बार करना है एनर्जी हमने।